Hello friends, how are you? This is Sony from Sony Scholar. Welcome to my channel. Friends, आज हम cement के grapes बनाना सीखेंगे. तो उसके लिए हमें चाहिए होगा cement. ये मैंने mix करके रखा हुआ है पानी से. और cement के अलावा हमें wires चाहिए होंगे. पतली wires हैं. और साथ में हमने ये आर्टिफिशियल लीफ लिया है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी. तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं ग्रेप्स बनाना. तो फ्रेंड्स, पहले सीमेंट को पानी से हमें मिक्स करना है और कुछ इस तरीके से हमें डो तैयार कर देना है. तो डो तैयार करने के बाद हमें ग्रेप्स की शेप देनी है. थोड़ा सा पोर्शन लेंगे सीमेंट का और इसको गोल गोल हमें शेप देनी है. ये देखिए, ये हमने ग्रेप्स की शेप देनी है इसको इस तरीके से. पहले फ्रेंड्स, हम थोड़े से ग्रेप्स बना लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें वायर कैसे इंसर्ट करनी है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ग्रेप्स रेडी हो गए हैं. और इसके बाद हम वायर लेंगे. वायर को हमें आगे से फोल्ड करना है. ऐसे हमें फोल्ड कर देना है. और फोल्ड करने के बाद हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ताकि जब ये सूख जाए तो ये अंदर स्टिक हो सके. अगर ये स्ट्रेट रहेगी तो वो बाहर निकल सकती है, इसलिए आगे से इसको फोल्ड करना है. तो ऐसे ही हम दूसरे में भी इंसर्ट करेंगे. पहले आगे से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ही हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे. इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद हम इसको फिर शेप दे देंगे. तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा. तो ये सारे ग्रेप्स फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से वायर डालकर रेडी कर देनी है. ये हमें देखिए, ये हमने ग्रेप्स तैयार करके रखे हुए हैं. इस ऐसे ही आपने सारे ग्रेप्स रेडी करके रखने हैं और वायर्स जो है वो आगे से टेढ़ी करके इंसर्ट कर देनी है. तो इसको हम सूखने के लिए रख देंगे. और मीनवाइल हम लीफ बनाते हैं. और लीफ कैसे बनाना है आपको मैं बताती हूँ. ये राउंड सरफेस कुछ लेनी है आपको और इसके ऊपर हम सीमेंट डालेंगे. थोड़ा फ्लैट करके ये फ्रेंड्स फ्लैट करके हम सीमेंट राउंड कटोरी के ऊपर रखेंगे, ताकि हमारा शेप जो है वो लीफ की ऐसे राउंडनेस में बने. और फिर लीफ लेना है और लीफ को इसके ऊपर हम दबाएंगे थोड़ा. अगर राउंड करना है तो थोड़ा टिल्ट करना है इसको. दबाने के बाद जैसे इसकी शेप है लीफ की, वैसे ही हमें कटिंग कर देनी है इसकी. तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें लीफ की शेप दे देनी है.
लीफ की फिगर के हिसाब से हमें कटिंग करते जाना है। ये हमारा लीफ रेडी हो गया। और फिर रेडी होने के बाद हमें लीफ को उठा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका इम्प्रेशन भी आ गया, ये देखिए आप देख सकते हैं। और अगर आपको इम्प्रेशन इसके ऊपर लाना है तो आप नाइफ की मदद से तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से शेप दे सकते हो लीफ को। अच्छा, इस तरीके से आपने लीफ 4-5 लीफ तैयार करने हैं और ग्रेप्स तैयार करनी है। और जब ये सूख जाएंगे 24 आवर्स के बाद, तब हम इनको जॉइन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ग्रेप्स बनाए थे और लीफ बनाए थे वो सब ड्राई अप हो चुके हैं 24 आवर्स के बाद। तो अभी हम इनको जॉइन करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ग्रेप्स बन गए हैं, रेडी हैं वायर के साथ, और लीव्स भी रेडी हैं। इस पर भी हमने वायर लगा दी थी, और ये हमने एक स्टेम ली है अपने गार्डन से। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं ग्रेप्स को जॉइन करना। तो उसके लिए हमने ग्रेप्स जिसके साथ हमारी, ये देखिए वायर भी लगी हुई है, हर एक ग्रेप के साथ वायर लगी है। तो अभी हम एक ग्रेप को लेंगे और इसके साथ हम दूसरे एक एक करके हम ग्रेप्स को जॉइन, एक ग्रेप लेंगे हम और उसके साथ हम इसी वायर के साथ उसकी दूसरे की वायर जो है वो इसको रैप करते जाएंगे इस तरीके से। ये हमारा एक ज्वाइन हो गया एक ग्रेप। इसी तरीके से हमें लेते जाना है एक एक ग्रेप और इस वायर के साथ अटैच करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको एक एक करते हुए ग्रेप्स को साथ में ज्वाइन करते जाना है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से अरेंज करते हुए हमें सारे ग्रेप्स जो है वो अटैच कर देने हैं। एक और लेंगे, और इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे ग्रेप्स जो है वो सेट होते जाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सभी ग्रेप्स ज्वाइन कर देने हैं और एक बंच बना देना है ग्रेप्स का।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे ग्रेप्स जो हैं वो ज्वाइन हो गए हैं। कितनी अच्छी लुक आई है। और अभी हम लीफ लेंगे, ये देखिए। ये फ्रेंड्स हमने कटोरी के ऊपर लीफ बनाया था, तो ये देखिए टिल्टेड, हमारा टिल्टेड लीफ बना है, तो बिल्कुल नेचुरल दिखेगा। इसको भी हम साथ में ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए। अच्छे से रैप कर देना है वायर को, और ये हमारा लीफ अटैच हो गया। इसके साथ हम दूसरा लीफ भी अटैच करने वाले हैं। जहाँ पर सेटिंग आपको लगे बराबर है तो वहाँ पर आपको सेट कर देना है लीफ को, ताकि ये बिल्कुल नेचुरल लगे। स्टेम को भी हम वायर के साथ जॉइन कर देंगे। ग्रेप्स का रेडी हो गया है। कितने अच्छे हमारे नेचुरल बिल्कुल लगते हैं सीमेंट के ग्रेप्स। तो अभी हम इसको कलर करेंगे और इसका नेचुरल इफ़ेक्ट लेके आएंगे। उसके लिए हमने कलर्स लिए हैं, ये हमने ऑयल कलर्स लिए हैं, और जिसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको कलर करना। तो फ्रेंड्स, ग्रेप्स के लिए हमने पर्पल कलर लेना है। तो पर्पल कलर बनाने के लिए हमें ब्लू और रेड को मिक्स करना होगा। रेड कलर लेंगे हम, रेड कलर में हल्का सा ब्लू कलर मिक्स करेंगे और मूव कलर बनाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा मूव कलर रेडी हो गया है। और ये मूव कलर के हम ग्रेप्स को कवर कर देंगे। पूरे ग्रेप्स हम मूव कलर से कवर कर देते हैं। जो वायर दिखती हैं उनको भी हमें कवर कर देना है मूव कलर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारे ग्रेप्स बने हैं। वो एकदम नेचुरल इफ़ेक्ट है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें दोनों साइड से ग्रेप्स को कवर कर देना है मूव कलर से। तो फ्रेंड्स, हमारे ग्रेप्स का मूव कलर कंप्लीट हो गया है। अभी हम लीव्स को ग्रीन कलर से कवर करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमें पहले डार्क ग्रीन कलर लेना है। डार्क ग्रीन कलर से पूरा टोटली कवर कर देंगे। सब तरफ से हमें कलर लगा देना है। ये हमने डार्क ग्रीन कलर लिया है पहले। पीछे से भी हम लीफ को कलर करेंगे डार्क ग्रीन से।
ये हमारा डार्क ग्रीन से कोट हो गया। अब थोड़ा सा येलो इसमें मिक्स करके हल्का सा लाइट करेंगे, लाइट कलर का इफेक्ट देंगे, पैरेट ग्रीन थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा नेचुरल लुक देंगे इसको। थोड़ा इस तरीके से फ्रेंड्स, हल्का हल्का ऊपर से लाइट ग्रीन कलर का इफेक्ट देंगे, ये देखिए। लाइट ग्रीन का इफेक्ट देने के बाद हम वाइट लेंगे, इसको हल्का सा हाईलाइट करेंगे वाइट से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हमारे ग्रेप्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। अभी ऊपर स्टेम रह गई है, इस पे भी हम ब्राउनिश और मोव कलर का इफेक्ट देंगे। हल्का सा पहले ग्रीन से थोड़ा थोड़ा कोट करेंगे, ग्रीन कलर से कोट हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा ब्राउन का हल्का सा डार्क कलर का इफेक्ट देंगे। वो रेडी हो गए हैं, ये देखिए। ग्रेप्स का बंच जो है वो बहुत सुंदर रेडी हो गया है, आपको मैं इसको प्रेजेंट करके बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ग्रेप्स की फाइनल लुक, बहुत ही सुंदर हमारे ग्रेप्स बने हैं, ये देखिए। बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट दे रहे हैं और कोई बोल भी नहीं सकता कि ये सीमेंट के हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।